वो पूरा नाम मैं आदव जी कहते हैं हम तो के आदव जी आ रहे हैं एमपी के, आप यहाँ से भग जाओ, कुछ दिखना ही मत। अच्छा हाँ, गरीब नहीं दिखना चाहिए, गरीब नहीं दिखना चाहिए, गरीब नहीं दिखना चाहिए, गरीब नहीं दिखना चाहिए, बस गरीब यहाँ झोपड़ी हटाओ, गरीब गांव में नहीं दिखना चाहिए। जे कल परसों से लगे हैं सर। क्यों क्यों लगा दिए? अब अल्लाह जाने। अच्छा सरकार का काम है, लगा दी पेड़ लग गए। गईये तो खा रही पेड़? अरे नहीं खा रहे, नहीं खा रहे, नहीं खाती। के माटी ओनन माटी बिछोना बन जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ मट्टी में मिल जाएगा। हम तो सर ये मट्टी में रहने वाले हैं, मट्टी में ही चले जाते हैं। यही रहते थे जी सर, अब भगा रहे? अब क्या करें, कहाँ जाएं? जब यहीं के हुए हम, पले पैदा हुए हैं, यही रहे हो आप? यही रहते हैं। अब भगा रहे? अब भगा रहे, अब कहाँ जाएं? सभी को भगा रहे, इन्हीं झोपड़ों में हमारे सभी को, सबके लिए भगा रहे सब। हमारे पास घर मकान नहीं है, 30 साल से यहाँ पर पड़े हैं। कितने साल से? 30 साल से तम्बू लगा के पड़े हैं, फिर भी आना कोई सीएम आ रहा है, भगना पड़ेगा। हाँ सीएम आ रहा है, सीएम आ रहा है, भगना पड़ेगा। ये बच्चे देखो आप, तस्वीरें बच्चों। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना, इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें, साथ ही पहली 2 राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। 27 सितम्बर को मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव सागर आ रहे हैं और तैयारियां जोरों पर हैं, और क्यों ना हो, जहां वो आते हैं, जहां से गुजरते हैं, उस इलाके का विकास सुनिश्चित हो जाता है। हम तो कहेंगे कि सागर में जो पिछड़ी बस्तियां हैं जिनमें जल भराव होता है, सीएम साहब को वहां आना चाहिए ताकि उन क्षेत्रों का विकास हो सके। फिलहाल वो खेल परिसर में आएंगे, तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि ये झुक्की झोपड़ी ना दिखे इसलिए ये पेड़ लगा दिए गए, वो भी बहुत घने पेड़ लगाए, अच्छा जबरदस्त वृक्षारोपण है। हालांकि वृक्षों की सुरक्षा नहीं हो रही, और वृक्षों की सुरक्षा नहीं हो रही, आप ठीक पीछे देखिए एक गाय जो है बड़े आराम से वृक्षों को आहार बना रही है अपना। जाहिर तौर पर है कि जानवरों को आप रोक नहीं पाते, हालांकि पशु जो है सागर के आदर्श हैं, और भले डेयरी चली गई हो बाहर, लेकिन अभी भी गाये बगाए आपको जानवर मिल जाएंगे। फिलहाल हम जो है आपको खेल परिसर के इर्द गिर्द जो है चीज़ें दिखा रहे हैं, आप लाइन से देखिए कितने अच्छे बड़े पेड़ लग गए हैं, और पेड़ इसलिए लगे हैं ताकि सीएम साहब की नज़र गरीबों पर ना पड़े, गरीबों पर ना पड़े, क्योंकि गरीबों के पास मकान नहीं है, इसलिए उनकी झुग्गी झोपड़ी दिखे ना, इसलिए इन पर नज़र नहीं पड़ना चाहिए सीएम साहब की। ये तमाम व्यवस्थाएं जो है बदस्तूर जारी हो रही हैं, और आप देख सकते हैं बाकायदा पेड़ जो है यहाँ लग गए, और पेड़ के बाद जो है अब आगे के जो कार्यक्रम है, जहाँ जहाँ से सीएम गुजरेंगे उस इलाके का विकास हो जाएगा, ये बिल्कुल तय बात है। तो कुल लिहाज से 27 तारीख को रीजनल कॉन्क्लेव यहाँ होने जा रहा है, तमाम व्यापारी उद्योगपति यहाँ जुड़ेंगे, और उसके बाद एक बैठक होगी, सीएम साहब बुंदेलखंड के विकास की बात करेंगे, तमाम ऐसे उद्योग यहाँ लगेंगे जिसकी यहाँ चर्चा होगी, जमीन आवंटन से लेकर सारी प्रक्रिया जो है उद्योग विभाग करेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में आप देख सकते हैं वो जेसीबी मशीन तुरंत भाग गई, हमने जेसीबी मशीन जैसे ही अपना कैमरा खोला बेचारे आधा अधूरा काम जो है छोड़ छाड़ के भाग गए। अब आधी सड़क बनी है साहब, और कैमरा देखा और वो भाग निकले, क्यों भागे हैं, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने ये कहा कि जो काम, जैसे आज ये गड्ढा है समझना, आज ये गड्ढा है और ये गड्ढा कई दिनों से, और यहाँ कई एक्सीडेंट हो गए, यहाँ बैरिकेड्स लगे हैं, लेकिन अब ये गड्ढा भरेगा और ये गड्ढा अब गड्ढा नहीं रहेगा, बाकायदा सड़क में मिल जाएगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जब आएंगे तो ये गड्ढा भर जाएगा, मुख्यमंत्री जहाँ से गुजरेंगे वहाँ कोई गड्ढे नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब गड्ढे तो है लेकिन मुख्यमंत्री के आने से पहले गड्ढे भर जाएंगे, ये बात बिल्कुल तय है। तो मुख्यमंत्री से निवेदन है, इस देश के
प्रधानमंत्री से निवेदन है कि आप भी तो गड्ढों में जाएं। आप क्यों गड्ढों से नहीं निकलते? आपका भी तो देश है, क्या आम आदमी गड्ढों से निकले? ये उसी की जिम्मेदारी है भाई। आप भी निकले इन गड्ढों से। और अब ये गड्ढा कई बार लोग जो है मीडिया भी रिपोर्ट जारी कर चुकी है। अभी अब एक जेसीबी खड़ी थी, काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा देखा वो भाग खड़े हो गए। हालांकि उससे पहले यहाँ कभी काम नहीं हुआ, वो काम इसलिए नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आए नहीं। तो हम तो कहते मुख्यमंत्री हर वार्ड जाए ताकि हर वार्ड का विकास हो सके। फिलहाल हम इन्हीं दरमियान तस्वीरें और दिखाते रहेंगे। दादा पेड़ वेड़ लग गए? हाँ। कब से लग गए? ये कल परसों से लगे हैं सर। क्यों क्यों लगा दिए? अब अल्लाह जाने। अच्छा सरकार का काम है। लगा दीजिए पेड़ लग गए। गैया तो खा रही पेड़? अरे नहीं खा रही। नहीं खा रही? नहीं खाती उसको। अभी एक गैया खा रही थी। भूख प्यासी खाती है। खाना भी चाहिए। खाना भी चाहिए। क्या कर पेड़ कब से लग गए? पेड़ लगे थे सर जी, अभी दो दो, दो ए, कल परसों से चालू हुआ है पेड़ वेड़ लगना। और उसके बाद में हम गरीब लोग यहाँ रुक रहे थे, हम लोगों को यहाँ से झुग्गी उठवा दी, हमें उधर पटक दिया, इधर पटक दिया इनको। हम यहाँ पड़े हुए थे, हम गरीब आदमी हैं हम लोग। ये आपको भगा रहे हैं? हाँ, यहाँ से तुम भगो, यहाँ से हम यहाँ ऐसा करेंगे और ऐसा करेंगे और वो करेंगे ये करेंगे और हम ऐसा करेंगे। हम लोग जैसे बाहर बाहर से जैसे राजस्थान रहते हैं हम, खेल तमाशे वाले आदमी। आपका तो कहीं यहाँ वो नुकसान ही नहीं कर रहे आप? नहीं सर जी, यहाँ रुके थे हम, नुकसान गाय भैंस कोई आती भी है ना तो हम इन पेड़ों की रक्षा ही करते हैं, उनको भगा देते हैं। भगा रहे हैं आप? हम ये कह देते कि बोल गए थे कि गाय भैंस आज पेड़ मत खाने देना। अभी तो यहाँ बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी थी, सबको भगा दिया? सबको भगा दिया साहब। क्या कहा है? वो ये कह रहे तुम यहाँ से चले जाओ। मुख्यमंत्री आ रहे हैं? हाँ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यादव जी। वो पूरा नाम यादव जी कहते हैं हम तो, यादव जी आ रहे हैं एमपी के। आप यहाँ से भग जाओ, कुछ दिखना ही मत। अच्छा हाँ, गरीब नहीं दिखना चाहिए? गरीब नहीं दिखना चाहिए। गरीब नहीं दिखना चाहिए? गरीब नहीं दिखना चाहिए बस। गरीब यहाँ झोपड़ी हटाओ, गरीब गांव में नहीं दिखना चाहिए कोई बस। अब अंबानी टाटा टाइप के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो एरोप्लेन से चलते हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आदेश है, आदेश है प्रशासन का कि गरीबों को हटा दे। गरीबी तो हटा नहीं पाए लेकिन गरीबों को हटा, और ये आदेश दिया है प्रशासन ने और तारीख भी मुकर्रर कर दी है कि फला फला तारीख को अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाना, और जो नहीं भाग पाए, जो गरीब एक दो झोपड़ी मिल जाए उनको ढकने के लिए जो पेड़ लगा दिए। बड़ी दाब व्यवस्था है, बड़ी उत्तम व्यवस्था। गरीबी तो आप हटा नहीं पाए लेकिन गरीबों को हटा रहे साहब। यही रहते थे जी सर, अब भगा रहे? अब क्या करें, कहाँ जाएं? जब यहीं के हुए हम, पजे पैदा हुए हैं, यहीं रहे हो आप? यहीं रहते हैं। अब भगा रहे? अब भगा रहे, अब कहाँ जाएं? सभी को भगा रहे, इन्हीं झोपड़ों में हमारे सभी को, सबके लिए भगा रहे हैं सब। हमारे पास घर मकान नहीं है, 30 साल से यहाँ पे पड़े हैं। कितने साल से? 30 साल से तम्बू लगा के पड़े हैं, फिर भी आना कोई सीएम आ रहा है, भगना पड़ेगा। हाँ सीएम आ रहा है, सीएम आ रहा है, भगना पड़ेगा। ये बच्चे देखो आप, तस्वीरें बच्चों, फिर रहना। आप सीएम आ रहा, आप लोग यहाँ से भग जाओ, उसके बाद में फिर आ जाओ। अच्छा ये भी था, माने अभी सीएम आ रहा है, अभी भग जाओ। और नाली पहाड़ हिमालय पर्वत जहाँ रहना वो रहो, भाड़ में जाओ, लेकिन अभी भग जाओ और जब सीएम चले जाए तो फिर आ जाना। बड़ा अच्छा फरमान है। वैसे तो हमें जन्नत की हकीकत मालूम है, दिल बहलाने के लिए गालिब तेरा ख्याल अच्छा है। ये बड़ी अच्छी लाइन हम इस वजह से कह रहे हैं कि हमें असलियत में इस शहर का जो है मिजाज मालूम है। ये शहर बड़ा दिखावा करता है, यहाँ के नेता बड़े दिखावा करते हैं, असली जमीन पर उतर के आए जो, तो फिर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं। फिलहाल हम जो है आपको कुछ पेड़ बताए हैं, गरीबों के हालचाल बताए हैं, और जो बोला गया है वो भी बताया गया है। तो मुख्यमंत्री जी इन गरीबों की बद्दुआओं से डरे, आप आ रहे हो अच्छी बात है, रुको, खाना पीना खाओ, उद्योग खुलवाओ, तरक्की करवाओ, सारी चीज़ें करवाओ,
लेकिन गरीबों का भी ख्याल रखो कि जिस देश में गरीबों का ख्याल नहीं रखा जाता वो सरकारें कम दिनों को चलती हैं। ये बद्दुआ बड़ी लगती है तो गरीब की आह से बचना चाहिए। हालांकि यहाँ के कलेक्टर तो भगवान जाने कैसे हमें नहीं मालूम, और नगर निगम आयुक्त सुभान अल्लाह है, दोनों अधिकारियों से निवेदन है कि गरीबों को बख्शो और उनकी दुआएं लो, उनकी बददुआएं ना लो। हम तो मुख्यमंत्री से भी कहेंगे कि सरकार चलानी है तो गरीबों के सहारे चलाओ। एक दिन को आप आ रहे हो और एक दिन में बेचारे गरीबों को जो है यहाँ से बोरिया बिस्तर लेके जो है रवाना किया जाए। क्या क्या कह रहे हैं? गरीबों को करने खान नहीं दे रहा, गरीब लोग रोज के करने वाले, रोज के खाने वाले वो कहाँ से खाए बताओ? कोई दुख में डरा, कोई कोई के बच्चे छोटे छोटे, कोई के गरीबी दी है। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो ये झोली झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं और इनको भगाने का जो है दुकानें हटवा दी। तो फिलहाल हम लगातार खबरें में जुड़े रहेंगे। उम्मीद है कि आप और बड़े बड़े पेड़ लगा लो। हम तो कहते हैं ये पेड़ छोटे हैं, पेड़ और बड़े लगा लो, और उम्मीद है कि इस तरह के पेड़ लगाने से शायद गरीबी नहीं दिखेगी। मुख्यमंत्री यहाँ से गुजरेंगे, उनको गरीब नहीं दिखना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी नहीं दिखना चाहिए, इसलिए ये पेड़ लगे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, नमस्कार। अब आपके अपने शहर सागर में भी कहीं जाना है तो जुगनू है ना इस ऐप को डाउनलोड कर अपनी लोकेशन डालकर ऑटो, बाइक या ई रिक्शा मिनटों में अपने पास बुलाएं और आरामदायक सवारी का आनंद लें। साथ ही पहली दो राइड पर पूरे 50% तक की छूट पाएं।